Alaikum dear students, welcome from the Lahore Garrison School. Dear students, today is eleventh December two thousand twenty one, and the day is Saturday. I'm your computer teacher, Miss Rabia. So let's start our new lecture. The lecture number is four. So students, as you know, we have started unit number three point two.

से, एक सेल पर या रेंज ऑफ सेल्स पर शेड्स का इस्तेमाल या उन पर शेड्स को किस तरह अप्लाई किया जाता है सो लेट स्टार्ट यू कैन मेक योर वर्कशीट मोर अट्रैक्टिव बाय अप्लाइंग कलर शेड्स आप अपनी वर्कशीट ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं बाय अप्लाइंग कलर शेड्स कलर शेड्स को अप्लाई करके टू अ सेल एक सिंगल सेल पर आर आ रेंज ऑफ सेल या फिर ज़्यादा सेल्स को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उन पर अपने कलर अपनी पसंद के कलर शेड का अप्लाई करके अपनी वर्कशीट को ज़्यादा दिलचस्प या मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं सो इस वट इज़ द प्रोसीजर स्टेप नंबर वन इज़ सेलेक्ट द सेल्स इन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द कलर शेड्स सेलेक्ट द सेल सेल्स का आपने इंतखब करना है इन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द कलर शेड्स जहाँ पर आप चाहते हैं कि कलर का शेड जो है वो चेंज हो तो आपने पहले क्या करना है कि उन सेल्स का इंतख्य करना है जिसमें चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी पसंद का कलर अप्लाई करना चाहते हैं सो सेकेंड स्टेप है क्लिक द एरो नेक्स्ट टू फिल कलर बटन तो इस सेकेंड स्टेप इसका क्या है कि आपने एरो को फिल कलर बटन पर क्लिक करना है नंबर थ्री है क्लिक ऑन द कलर शेड यू वांट टू यूज़ जब आप क्लिक फिल कलर बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको डिफ़रेंट किस्म के कलर्स नज़र आएंगे शेड में तो आपने उस शेड को चूज़ करना है जो आप चाहते हैं कि उस सेल में या रेंज ऑफ सेल्स में वैसा कलर होना चाहिए ठीक है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ पर हम किसी भी लाइन को या वर्ड को अंडरलाइन करते हैं उसके नीचे एक बास्केट टाइप का कलर शेड बनी हुई है इसको बोलते हैं फिल कलर बटन ठीक है या फिर शेड शेड कलर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बेटा कि इस इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट किस्म की शेड्स नज़र आ रही हैं ठीक है तो उससे पहले आप क्या करेंगे अपना सेल या रेंज ऑफ सेल्स को का इंतखा करेंगे फिर फिल कलर बटन पर क्लिक करेंगे जब उस पर क्लिक करेंगे तो शेड्स आपको अपेयर होंगी उनमें से जो भी आप शेड अप्लाई करना चाहते हैं लाइक like ब्लैक है ब्लू है येलो है रेड है या ग्रीन उस पर क्लिक जिस पर भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वही आपके सेल का या रेंज ऑफ सेल्स का वही कलर हो जाएगा ठीक उसके बाद है द सेलेक्टेड सेल्स अपेयर विद द न्यू कलर शेड तो जो आपने इसमें चेंजिंग लेके आए हैं या जो सेलेक्ट किया हुआ सेल था आपका उसमें नई कलर की शेड बन जाएगी अपेयर होगी ठीक अब आगे आता है नोट नोट किस चीज़ का है कि अगर आपने इस शेड को रिमूव करना हो तो फिर क्या तरीकाकार है टू रिमूव अ कलर शेड फ्रॉम द सेल्स सेल से कलर शेड को रिमूव करने के लिए रिपीट स्टेप्स वन एंड टू आपने वन एंड टू को रिपीट करना है यानी कि उसका इंतखब करना है और फिर कलर बटन पर लेके जाना है ठीक है यहाँ तक हो गया उसके बाद है एंड सेलेक्ट नो फिल इन द स्टेप थ्री उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेप थ्री में नो no फिल पर क्लिक कर देना है जिससे क्या होगा कि जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया था लाइक like वो फॉर एग्जांपल येलो था वो रिमूव हो जाएगा नो फिल नो फिल जो है ये शेड्स के नीचे एक बटन होता है वहाँ पर लिखा होता है नो no कलर या नो no फिल तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी शेड आपने चूज़ की हुई थी वो रिमूव हो जाएगी ठीक हो गया उसके बाद है इंसर्टिंग न्यू रोज़ आर कॉलम्स के कॉलम्स और नो no रोज़ को किस तरह इंसर्ट किया जाता है यू कैन ऐड आर रो आर 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 कॉलम टू योर वर्कशीट वन यू वॉन्ट टू इंसर्ट अडिशनल डाटा अब एक तो आपके पास कॉलम या रो जो है वो बनी हुई होती है तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डाटा मिस हो गया या आपने कोई रो या कॉलम जो है वो मिस कर दिया लाइन यानी कि उसमें से मिस कर दिया फॉर एग्जाम्पल आप लोग मार्क्शीट बनाते हैं उसमें साइंस के आपने मार्क्स ऐड कर लिए इंग्लिश के ऐड कर लिए लेकिन मैथ के आपके आपसे स्किप हो गए हैं तो आप क्या करेंगे कि आप ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए फिर एडिशनल डाटा वो एडिशनल डाटा हो गया ना आपका तो एडिशनल डाटा को एंटर करने के लिए नई से नई रोज या कॉलम को किस तरह से ऐड किया जाता है ये जो है हमने इस टॉपिक में पढ़ना है उसके बाद स्टार्ट होता है हाउ टू इंसर्ट आर रो सबसे पहले आपने क्या सीखना है कि रो को किस तरह इंसर्ट किया जाता है एंड द स्टेप नंबर वन इज़ टू सेलेक्ट आर रो और एक रो को सेलेक्ट कर सेलेक्ट करना है करना है क्लिक द रो नंबर उसके बाद रो के नंबर पर क्लिक करना है नंबर टू इसका स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें देन नंबर थ्री क्लिक ऑन द रोज ऑप्शन फिर आपने रोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप जितनी रोज़ को सेलेक्ट करना चाहेंगे उतनी ही अपेयर हो जाएंगी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रो नंबर थ्री है ये ऐड की गई है और इसका कलर भी चेंज है ठीक है इसके लिए क्या करेंगे आपके पहले एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जैसे ही आप सेकंड वाली नंबर जो रो है उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ एक ऑप्शन होता है प्लस का अगली वाली स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पहली वाली डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि प्लस का ऑप्शन है जो कॉलम की साइड पे भी है और रो की साइड पे भी है तो रो की साइड पे जो कॉलम का जो प्लस का निशान है यहाँ पे तो मैंने टू रोज़ ऐड की हुई हैं जैसे ही आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड नंबर पर भी रो ऐड हो जाएगी और थ्री से फोर फाइव सिक्स इस तरह से रोज़ ऐड हो जाती हैं ठीक है उसके बाद है एक्सेल इन सर्ट्स आर न्यू रो अबाव द रो यू सिलेक्ट एंड ऑल द रोज देट फॉलो शिफ्ट डाउनवर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सेल की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आप अपना डेटा एंटर करते जाते हैं तो एक्सेल जो है वो न्यू रोज जो हैं वो एड करता जाता है क्योंकि उसके साथ प्लस का बटन होता है और आप प्लस का जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं नई रो एड होती जाती है ठीक है उसके बाद है बेटा वी कैन आल्सो इंसर्ट आर रो न्यू रो बाय राइट क्लिकिंग ऑन आर रो नंबर एंड द एंड द क्लिकिंग ऑन इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द ओपन लिस्ट एक तो तरीका कार ये था कि आपने ये स्टेप वाइज स्टेप वाइज किया दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अपने माउस का राइट जो बटन है उसको क्लिक करेंगे सेल uh, सेल को सेलेक्ट करके तो राइट right क्लिक करेंगे वहाँ पर ऑप्शन आते हैं डिलीट सेल इंसर्ट या फिर डिलीट कॉलम रोज तो आप इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको रोज़ और कॉलम का ऑप्शन आएगा जिसमें आपने रोज़ को जब आपने सेलेक्ट करना है या फिर उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नंबर्स होंगे कि वन टू थ्री कितनी रोज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो जितनी भी रोज़ आपने ऐड करनी होंगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी उतनी ही रोज़ ऐड हो जाएंगी ठीक है इसके बाद है बेटा हाउ टू इंसर्ट आ कॉलम फिर एक कॉलम को किस तरह इंसर्ट किया जाता है इसका भी स्टेप वाइज तरीका कार है फर्स्ट स्टेप है हमारे पास टू सेलेक्ट आ कॉलम क्लिक द कॉलम लेटर कॉलम को सेलेक्ट सेलेक्ट करना है देन उसके बाद आपने क्या करना है क्लिक द कॉलम लेटर कॉलम के लेटर को क्लिक करना है नंबर सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट मैन्यू इंसर्ट मैन्यू पर क्लिक क्लिक करना है नंबर थ्री है क्लिक ऑन द कॉलम्स ऑप्शन उसके बाद आपने नंबर थ्री क्या है कि कॉलम्स के ऑप्शन पर सेम तरीका तरीक़ाकार बेटा वही है जो हमने रोज़ के लिए इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट क्लिक ऑन का पे राइट बटन पे क्लिक करते हैं जब वो ओपन होता है तो फिर इंसर्ट के और रोज को सिलेक्ट करते हैं सेम तरीक़ेकार वही है आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है फिर कॉलम लेटर को और उसको इंसर्ट करेंगे तो आपके पास कॉलम्स जो हैं वो न्यू कॉलम

हॉरिजॉन्टल में होते हैं कॉलम जो है वो वर्टिकल में होते हैं और रोज़ हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में आ, वर्टिकल में आप पिक्चर में देख भी सकते हैं ए बी सी डी ई और सात प्लस का निशान है प्लस का निशान जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर एफ़ का ऑप्शन यानी कि एफ़ का कॉलम भी बन जाएगा ठीक है और इस सेम तरीके का रोज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है ठीक हो गया उसके बाद है वी कैन ऑल्सो इंसर्ट आ न्यू कॉलम बाई राइट क्लिकिंग ऑन अ कॉलम लेटर एंड देन क्लिकिंग ऑन इंसर्ट फ्रॉम द लिस्ट ये एक दूसरा तरीका है कि अगर आपने स्टेप वाइज तरीका नहीं करना तो आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो रोज़ के लिए कि राइट क्लिक राइट बटन पे क्लिक करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा और वहाँ से रोज़ को एड करते जाना है ठीक हो गया इसके बाद है डू वी नीड टू एडजस्ट आवर फार्मूलाज वेन वी इंसर्ट आर रो आर ए कॉलम के क्या एक्सल में रो या कॉलम को ऐड करने के लिए हमें किसी फार्मूला को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है सो द आंसर इज़ नो नहीं वैन यू इंसर्ट आर रो आर कॉलम जब आप रो या कॉलम को इंसर्ट करते हैं एक्सेल ऑटोमेटिकली अपडेट्स एनी फार्मूलाज अफेक्टेड बाई द इंसर्शन ऑफ आर न्यू रो आ रहे कॉलम एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मूलाज को अपडेट कर देता है जो कि रो और कॉलम के इंसर्शन से अफेक्ट होते हैं ठीक है इसके अलावा एक्सेल जो है एक्सल को यूज़ किया जाता है डाटा की एंट्री के लिए उसमें क्या होता है बेटा कि जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला की बात की गई है तो एक्सेल में एक्सेल जो है वो एक अलग से ऑप्शन दे रहा होता है वहाँ पर आपने फॉर्मूला ऐड करना होता है वहाँ पर जब आप फार्मूला ऐड करते हैं तो नीचे डाटा आप जैसे ही नंबर्स में लिखते जाते हैं और टोटल पर जब आप जाकर क्लिक करते हैं तो वो आपका डाटा फौरी टोटल हो जाता है यानी कि ऐड हो जाता है ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ कर होगी थैंक यू स्टूडेंट्स